नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है झांसी से। अभी अभी एक इलाइट चौराहे के पास टावर पर एक युवक चढ़ गया है किसी बात से परेशान होकर, और काफ़ी देर से ये हंगामा चल रहा है। करीब आधा घंटा हो चुका है और युवक टावर से उतरने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस काफ़ी प्रयास कर रही है, हालांकि ऊपर से कुछ कह रहा है लेकिन नीचे तक आवाज़ नहीं आ रही है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और मौजूद है वहाँ पर हमारे संवाददाता मोहम्मद साहब झांसी से। मोहम्मद साहब, क्या है पूरा मामला, क्यों चढ़ा है ये युवक टावर पर, पता चल पाया कुछ? मैं आपको बता दूं सर कि इलाइट चौराहे के पास सनराइज होटल बना हुआ है जिसकी छत पर दो टावर लगे हुए हैं जी। खबर सूचना से यह आई थी कि एक व्यक्ति जो है वो टावर पर चढ़ गया है और पूरा पुलिस प्रशासन वाले यहाँ पहुँच गया है मौके पर जी। और सीओ राजेश राय भी मौके पर है, युवक से लगातार बात कर रहे हैं मगर जो युवक है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ कारण पता चला है कि आखिर युवक ऊपर क्यों चढ़ा है और क्या करता है युवक ये? जैसे कि सर जानकारी मिल पा रही है, युवक कुछ परेशानी में है, काफी दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा है मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज वो टावर पर चढ़ गया। अच्छा, क्या करता क्या है युवक? ये सर कोई सक्सेना नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि सदर बाजार का निवासी है और अभी पुलिस ने मौके पर इसके भैया को भी बुला लिया है। उसके भैया भी लगातार उससे फोन पर बात कर रहे हैं और उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप नीचे उतर आए, आपकी जो भी मांगे हैं उसको तुरंत पूरा किया जाएगा जी। भाई से बात सर, भाई से बात हो पाई है क्या? भाई क्या बता रहे हैं इसके बारे में? भाई बता रहा है कि इनकी वाइफ इनके साथ नहीं रहती और इनके बच्चे वगैरह भी हैं और थोड़ा सा ये काफी समय से परेशान चल रहा है और काफी समय से थानों के चक्कर लगा रहा है। जैसे कि अभी तक जानकारी मिल पाई है कि इसकी समस्या को लेकर परेशान है जिसका निस्तारण अभी तक हो नहीं पाया है, जिसकी एवज में ये आज टावर पर चढ़ गया है और पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, उसको समझा रही है कि आपकी जो भी दिक्कत परेशानी हो उसको तुरंत निस्तारण किया जाएगा, बस आप टावर से नीचे उतर आए। लगभग कितना समय हो गया साहब, कितनी देर से चढ़ा है और क्या अभी उतरने को तैयार हो रहा है कि नहीं? अभी सर पौन घंटे से ऊपर हो गया है जी और लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी छत पर पूरे पत्रकार मौजूद थे, सभी पत्रकारों को पुलिस के कहने पर नीचे उतार दिया गया ताकि क्या रहा वो बीच बीच में विरोध कर रहा है कि अगर मेरा किसी ने वीडियो बनाया या मुझे वो किया तो मैं पूछ जाऊंगा, इसलिए पुलिस प्रशासन ने अभी पत्रकारों को नीचे उतार दिया है और भरपूर प्रयास कर रही है कि उसको तत्काल जल्द से जल्द नीचे उसकी मांगे पूरी करके नीचे उतरवाया जा सके। ठीक है मोहम्मद साहब, नजर बनाए रखिए क्योंकि ये बड़ा मामला है और आखिर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब उसे न्याय नहीं मिलता एक व्यक्ति को तो पीड़ित को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। हालांकि सीओ भी मौके पर पहुंच चुके हैं और सीओ क्या कह रहे हैं आइए सुना देते हैं आपको। देखिए अभी आपके सामने आप स्वयं इस चीज़ को देख रहे हैं और हम लोगों को जानकारी मिली थी कि किसी अन्य छतों पर आकर यहाँ पर चढ़ गए हैं। हमारे सारे साथीगण जो हमारे थाना प्रभारी साहब हुआ उनकी अन्य टीमें भी हैं, हम लोग भी मौजूद हैं, इनके घर परिवार के भी लोगों को बुला लिया गया है और उनकी बात हो रही है और हम लोग उनकी बातों को से लेकर उनको किसी तरह से उनको प्रेम से सौहार्दपूर्वक वार्ता कर उनसे हम लोग किसी तरह नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें हैं। तो ऐसी लगभग अभी दो घंटा हम लोग पास है और हम लोग काफ़ी देर से प्रयासरत हैं। उनके घर को भाई साहब को उनको बुला लिया गया है। इसका क्या मांग इसकी? मांग अभी कुछ नहीं, ऊपर से आवाज़ कम नहीं आ पा रही है, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं जो भी है आपकी समस्याएं बताइए हम इसको हल करेंगे। एक बात की पुलिस ने शिकायत नहीं की सुनी मेरी? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल एक आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर पुलिस के खिलाफ अगर से बात हुई तो कार्रवाई करेंगे, एक उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि वो नीचे आ जाए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। विगत इनका जो है तीन बेटियां थी उनकी शादी भी हुई, ये अकेले रह रहे हैं और इनकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी है जिनकी वजह से जो है काफ़ी उलझने में रहते हैं और इस कारण से जो है इसी उन्होंने प्रक्रिया अपना लिया है और मैंने उनके भाई साहब को भी बुला लिया, उनके भाई साहब से मेरी सारी वार्ता हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराएंगे और उनको सकुशल ऊपर टावर से नीचे उतारने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं, किसी प्रकार कोई मुकदमा भी नहीं है। नहीं वो बोल रहे हैं, अब वो तो कुछ भी कर रहे हैं, ऊपर से ऐसा कुछ है नहीं, मुकदमा वारी इनके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप खुद देख रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या, आप स्वयं इस चीज़ को आभास कर रहे होंगे। क्या नाम है इसका? अभी
अरविंद सक्सेना इनका नाम है और उनके सारे सगे भाई हैं यहाँ पर, हम लोग ला चुके हैं उनको। उतारने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग सारे भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अपने फायर सर्विस को नगर निगम से संपर्क कर सारे देखते हैं, कोशिश करके जाल वगैरह लगवाते हैं, जो भी उपलब्ध सुविधा हमारे पास है कोशिश करके हम लोग उतारने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। तो सीओ का कहना है कि पुलिस की ऐसी कोई बात नहीं है और पुलिस आश्वासन भी उन्हें दे रही है कि आप नीचे उतर आइए, आपकी जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। फिलहाल न्यूज़ बीके पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।